जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो प्लेसमेंट्स हुए थे तो इन कंपनीज में, तीन कंपनीज में सिलेक्शन हुआ था। तो उसके बाद ऑब्वियस एक जो चॉइस थी वो यही थी कि मैं आईटी की जॉब में जाऊं, क्योंकि वो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी था। उस समय बहुत ज़्यादा माइंड मेकअप नहीं किया था कि सिविल सर्विसेज की मैं तैयारी करूं, ऑल्दो एट द बैक ऑफ द माइंड ये था हमेशा से। और दूसरा इशू ये था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी एक चाहिए थी, तो मुझे उस समय यही ठीक लगा कि मैं आईटी की जॉब करूं, और उससे चूंकि एक्सपीरियंस भी एक प्राप्त होगा मुझे, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो फिर जब से मैंने स्टार्ट किया काम करना, उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये समझ में आया कि मतलब दिस इज़ नॉट द जॉब वेयर आई वॉन्ट टू वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मतलब आई एक्चुअली वॉन्टेड टू वर्क एट द ग्राउंड लेवल अमंग द पीपल, और ग्रास रूट लेवल पे लोगों के लिए कुछ करना और सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए मुझे सिविल सेवा एज अ करियर ऑप्शन बेहतर लगा। तो उसके बाद इसीलिए मैंने सिविल सेवा की तैयारी करने का निर्णय लिया, और फिर उसके बाद से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, इंजीनियरिंग जो है वो सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक डिग्री नहीं है, वो एक लाइफ स्किल है। एक ऐसी लाइफ स्किल जो कि आपको सिखाती है, कई चीज़ें सिखाती है। एक तो ये कि प्रेशर में कैसे परफॉर्म करना है, दूसरा ये कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, ये जो बेसिक स्किल्स जो आप सीखते हो, प्रेशर को हैंडल करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई भी जो समस्या है उसको कैसे आप अप्रोच करोगे, तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग इन मामलों में काफ़ी हेल्प करती है, चाहे वो जीवन का कोई भी डायमेंशन हो, पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज भी, जहाँ पे कि काफ़ी बार प्रेशर रहता है प्रीलिम्स पर्टिकुलरली एग्ज़ाम से बहुत थोड़ा सा समय पहले, जब काफ़ी स्टूडेंट्स प्रेशराइज होते हैं, तो उस समय पे अपनी मेंटल ग्रिट को बनाए रखना और उस ग्रिट के साथ एग्ज़ाम को में अपीयर होना, एग्ज़ाम में अपना कामनेस मेंटेन करते हुए अच्छे से परफॉर्म करना, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में। और मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों से डील करना सिखा देती है, और डेफिनेटली आप जो एज अ प्रोफेशनल भी आप जो एक्सपीरियंस प्राप्त करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे आईटी में प्राप्त किया आपने जो भी है, वो भी कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन बना देता है, जिससे कि आप एग्ज़ाम को भी बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच कर पाते हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह से इंजीनियरिंग हेल्प करती है, और कहीं ना कहीं ये कारण भी है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का अच्छा प्रपोर्शन एक रहता है सिविल सर्विसेज में। ट्वेल्थ के बाद अगर किसी को सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी है तो कौन सा वो ग्रेजुएशन प्रीफर करे? देखिए, ग्रेजुएशन जो है जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव, एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। ग्रेजुएशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग अ डिग्री, या फिर कोई सिर्फ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अर्न करना ही ग्रेजुएशन नहीं है। ग्रेजुएशन वो पीरियड होता है जहाँ पे आपकी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट और जो फॉर्मेशनल ईयर्स जो होते हैं वो निकलते हैं। आपका पूरा कैरेक्टर बिल्डअप, आपका पूरा मेंटल टफनेस और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप सीखते हो वो कॉलेज में ही सीखते हो। आपकी मेंटल मेच्योरिटी भी कॉलेज में डेवलप होती है। तो कॉलेज, अच्छा अब रही बात कौन से कॉलेज से करें या कौन सी डिग्री करें, तो आप जो भी डिग्री करो, BBA हो चाहे BA हो चाहे इंजीनियरिंग हो, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से करनी चाहिए, बहुत और प्रीफरेबली बहुत अच्छे कॉलेज से करनी चाहिए, जिससे कि बहुत अच्छा एक्सपोजर हो आपका। ये मैटर नहीं करता कि सिविल सर्विसेज में अगर आपको जाना है तो आप इंजीनियरिंग की ही डिग्री चूज़ करें, नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है। लेकिन ये है कि आप जो भी डिग्री चूज़ करें, वो पहली बात तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। जैसे मेरा इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में तो मैंने वो चूज़ की, अगर मेरा इंटरेस्ट मेडिकल की स्टडीज़ में होता तो मैं डेफिनेटली वो चूज़ करता। अगर आप, मेरा इंटरेस्ट अगर सिविल सर्विसेज में है तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी डिग्री चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई आप डिग्री कर सकते हैं या BA कर सकते हैं, नो इश्यूज़ एट ऑल। लेकिन आप कोई भी डिग्री चूज़ करें वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करें, उसको सिर्फ इस पर्स्पेक्टिव से ना करें कि ठीक है मुझे तो इसके बाद सिविल सर्विसेज ही देनी है, क्योंकि डिग्री में जो आप समय बिताओगे वो आपका पूरा फ्यूचर लाइफ कैसे होने वाली है आपकी वो डिटरमाइन करेगा, और आप कैसे पर्सन बन के निकलोगे अपनी डिग्री के बाद, आप ज़िंदगी भर कैसे रहने वाले हो, उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट जो रहेगा वो आपकी डिग्री के दौरान आप में फॉर्म होगा। तो इसीलिए आप बहुत सोच समझ के उसको चूज़ करें।
यही मेरा सजेशन है। आप सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करने की बजाय अपनी ग्रेजुएशन को पूरा जिएं, उसको अच्छे से इन्जॉय भी करें। कई तरीके से ग्रेजुएशन के कई एस्पेक्ट्स होते हैं, एकेडमिक उसका बस एक एस्पेक्ट है। उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जैसे आप सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करेंगे ना, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है आपने या फिर मेंस क्वालिफाई कर लिया। अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होती है, चाहे वो मेंस के आंसर्स हों, चाहे वो इंटरव्यू के आंसर्स हों, और चाहे सिलेक्शन के बाद आप जब काम कर रहे होते हैं ऑन द फील्ड, तो वो आप अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, है ना। और टेस्ट भी ये पूरा पर्सनैलिटी का ही है, चाहे वो मेंस में भी काफ़ी हद तक, और इंटरव्यू तो फिर पूरा पर्सनैलिटी टेस्ट होता ही है। तो और ये पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में कॉलेज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आप जो भी करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी और एकेडमिक्स भी और बाकी जिन भी एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करना है, बिल्कुल डेफिनेटली आपको करना चाहिए, बहुत हेल्प मिलती है उससे आपकी फ्यूचर लाइफ में। चूँकि पुलिसिंग की जॉब में मैं रहा हूँ और पुलिसिंग की जॉब के साथ टाइम मैनेज करना निश्चित तौर पे एक चैलेंज होता है, तो और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि एक तो जॉब इंगेजिंग भी है और दूसरा ये है कि कोई फिक्स शेड्यूल कर पाना कि आप किन आवर्स में स्टडी करेंगे, किन आवर्स में काम करेंगे, ये बहुत मुश्किल होता है। तो इस पूरे दौरान मेरी स्ट्रेटजी यही रही कि जितना भी टाइम मेरे पास अवेलेबल है उस टाइम को मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ। अगर कहीं भी मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, किसी मान लीजिए मैं कहीं ड्यूटी पे जा रहा हूँ दूसरे शहर में और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ रास्ते में, और ट्रैवल की जर्नी मान लीजिए मेरी 3 घंटे की है, तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि उस 3 घंटों को मैं यूटिलाइज़ करूँ अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए। उसमें जो भी मैं कर सकता हूँ वो करता था मैं, या तो ऐसे ही मतलब टाइम का यूटिलाइजेशन करना पड़ता था। तो वो मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा कि कहीं ना कहीं मैं उस टाइम को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना सीख गया। मुझे टाइम की कीमत पता चली, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान भी जब आप पुलिस की करते हो ना, तो वहाँ पे आप सुबह 5 बजे से लेकर आप रात को 9 बजे तक इंगेज रहते हो, आप बहुत थक भी जाते हो क्योंकि फिजिकली और मेंटली दोनों ही वो बहुत एग्जॉस्टिंग होती है वो ट्रेनिंग। तो वहाँ पे 9 बजे फ्री होने के बाद फिर वो 2 घंटे निकालना 9 से 11 पढ़ाई के लिए, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन इसके बाद भी वो टाइम अगर आप निकालते हो तो आप ये समझ चुके होते हो कि हाँ, टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लर्निंग कहीं ना कहीं मैंने पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान ली और उसको फिर मैंने जब मैं ऑन द जॉब था तो मैंने उसको अप्लाई भी किया। तो अपने टाइम, तो उसका वो ये रहा कि जो प्रिपरेशन में जो टास्क थे या फिर जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे या फिर जो पूरा सिलेबस था या फिर जिस तरीके से मुझे तैयारी करनी थी, उन सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से प्रायोरिटाइज़ करना सीख लिया था कि कौन सी चीज़ मुझे पहले करनी है, कौन सी चीज़ मुझे बाद में करनी है, किस पे मुझे कितना टाइम देना है। तो जो टाइम का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है वो से मेरी पूरी प्रोसेस से मैंने सीखा और उसको फिर मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उसका एक बेनिफिट हुआ है मेरी पूरी सिलेक्शन में। देखिए, प्राइवेट सेक्टर के जो जॉब इंटरव्यूज़ जो होते हैं और पब्लिक सेक्टर के जो जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि दोनों जॉब्स की डिमांड और रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। जहाँ पे अब जैसे आईटी की अगर मैं बात करूँ, तो कॉलेज में मैंने जब इंटरव्यू, तो 3 कंपनीज़ में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, उसके बाद भी मैंने सर्विस में आने के बाद 2 कंपनीज़ में दिए थे मैंने इंटरव्यूज़। तो वहाँ पे जो इंटरव्यूज़ होते हैं, बेसिकली उनका पर्पज़ होता है कि आपकी टेक्निकल स्किल्स चेक करना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रोग्रामिंग करनी है, किसी न किसी सिस्टम पे वर्क करना है, तो आपकी टेक्निकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आप डोमेन के एक्सपर्ट होने चाहिए, आपकी जो टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं उन पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। दूसरी जो स्किल चेक की जाती है वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, क्योंकि हो सकता है आपको फॉरेन क्लाइंट से इंटरेक्ट करना पड़े, है ना, तो आपकी लैंग्वेज पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली ये 2 स्किल्स हैं जो मुझे लगता है कि चेक की जाती हैं उसमें। लेकिन पब्लिक सर्विस जो होती है ना, सिविल सर्विस पर्टिकुलरली, वहाँ की जॉब रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। वहाँ पे आपको फॉरेन क्लाइंट से बात नहीं करनी है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जनरल पब्लिक से डील करना है। वहाँ पे हो सकता है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना पड़े, वहाँ पे हो सकता है कि आपको किसी पब्लिक किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कई मल्टी डायमेंशनल पर्स्पेक्टिव से सोचना पड़े। तो जॉब इंटरव्यूज जो हैं वो भी उसी स्किल को टेस्ट करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे आपका
जो स्किल्स जो चेक की जाती हैं वो होती है कि आप किसी भी सिचुएशन को कैसे अप्रोच करते हैं, किसी भी प्रेशर वाली सिचुएशन को कैसे अप्रोच करते हैं, आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, आप कितना मल्टी डायमेंशनल होकर सोचते हैं। क्योंकि काफ़ी बार एक प्रशासनिक अधिकारी का कर्तव्य होता है वो कि वो किसी भी प्रॉब्लम को न सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से, बल्कि एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से विच इंक्लूड्स द सोशल पर्सपेक्टिव ऑल्सो, और इनफैक्ट इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव ऑल्सो, पॉलिसी पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो ये सारे के सारे पर्सपेक्टिव्स आपके सोच में, आपकी अप्रोच, आपके अप्रोच में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं एक सफल प्रशासनिक अधिकारी के तौर में खुद को स्थापित कर पाते हैं। और ये स्किल्स कहीं ना कहीं इंटरव्यू में टेस्ट की जाती हैं जो कि सिविल सर्विसेज के लिए होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मी है प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर इंटरव्यूज़ में।